पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने तीसरा T20 मैच जीत कर तारीख रकम कर दी। जी हाँ दोस्तों, ये वो रिकॉर्ड है जो इंडियन क्रिकेट टीम भी ना बना सकी, क्योंकि एशिया के अंदर आज तक साउथ अफ्रीकन टीम T20 सीरीज नहीं आ रही। ये फर्स्ट टाइम था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और बाबर आजम ने ये उम्मीद लगाई और ये एक्सपेक्ट किया कि पाकिस्तानी टीम ये T20 सीरीज जीतेगी। जहाँ पाकिस्तान ने अच्छा आगाज किया, पहला T20 मैच जीत कर दूसरे में शिकस्त हुई, मगर तीसरे में शानदार कमबैक किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी और बैट्समैनों ने भी। वैसे तो इस सीरीज में तमाम बॉलर्स, बैट्समैन और फील्डर्स अच्छे नजर आए, सबको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सबको मुबारकबाद देना पड़ेगी, मगर स्पेशली विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जो स्टेडियम के अंदर नमाजें पढ़ते हुए नजर आए और जब सेंचुरी स्कोर की, 50 स्कोर की, दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े, MS धोनी जिनका रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में कोई सोच नहीं सकता, वहीं इन्होंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह का, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि सब कुछ जीत मेरे अल्लाह की वजह से, मैं कुछ नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी पर मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।